उत्तराखंड में जो विधानसभा को मेजबानी मिली है पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का, तो ये सबसे बड़ा आयोजन है संसदीय क्षेत्र का। आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, अभी जानना चाहेंगे जो अगले दो दिन का जो कार्यक्रम होगा उसका मुख्य एजेंडा क्या है, किस तरह की चीजें रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं, जिन्होंने हमें इतना बड़ा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन करने का मौका हमें यहाँ उत्तराखंड में प्रदान किया। और निश्चित रूप से अभी आप देख रहे हैं कि आज हमारे तमाम देश के जितने भी सदन हैं उनके सचिवगण, उनका सम्मेलन और उनकी बैठक अभी प्रारंभ हो चुकी है। और इसके बाद चूंकि सभी देश भर के हमारे सचिवगण यहां पहुंचे हैं, तो मान के चलिए कि अभी उनके वेलकम के लिए हम एक बहुत बढ़िया उनकी खूबसूरत सांस्कृतिक संध्या उनके लिए कर रहे हैं, जो गढ़वाली में, कुमायूनी में और जौनसारी में जो हमारे यहाँ के कल्चर है उसको दिखाने का काम करेंगे। कल सुबह जो ओपनिंग सेरेमनी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के द्वारा होनी है, उसमें सबसे पहले एक हमारे यहाँ जो लोकल उत्तराखंडी उत्पाद हैं, जो शिल्प कलाएं हैं, जो दूसरी चीजें हैं, उस प्रदर्शनी का कहिए या हाट बाजार का, उसका उद्घाटन माननीय ओम बिरला साहब करेंगे। और उसके बाद उनके एक हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध एक वेलकम एक नृत्य होता है, उसे बोलते हैं छोलिया नृत्य, वो हम लोग उनके वेलकम में और तमाम अतिथियों के वेलकम में करेंगे। और उसके बाद उनके स्वागत सम्मान के बाद फिर उद्घाटन सत्र प्रारंभ होगा, जिसमें मेरे उद्घाटन भाषण के बाद फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपलब्ध होंगे, उनके भाषण और उसके बाद माननीय ओम बिरला साहब जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका उद्बोधन भाषण होगा। मैं समझता हूँ इस उद्घाटन सत्र के दौरान हमने तमाम अपने प्रदेश के सभी माननीय सांसद गणों को आमंत्रण दिया है। हमारे यहाँ के एक एचआरडी मिनिस्टर हैं जो सांसद भी हैं, वो उस कार्यक्रम में वहां मौजूद रहेंगे। और इसके अतिरिक्त जो हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद गण हैं, पूरे प्रदेश भर के हमारे विधायक गण हैं, मंत्री गण हैं, राज्य के जो पुराने हमारे भूतपूर्व विधायक गण जो हमारे शहर के देहरादून के आसपास के रहने वाले, उन सबको हमने आमंत्रण दिया है। कुल मिला के बहुत अच्छा एक हमारा उद्घाटन सत्र संपन्न होगा। और उसके बाद जो एजेंडा आज लोकसभा सचिवालय द्वारा जो तय होगा, उस एजेंडा फिर बिंदुवार और सत्रशः हम लोग कल बैठने वाले हैं तमाम पीठासीन अधिकारी गण, यानी कि जो हमारे माननीय अध्यक्ष गण हैं, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के जो उपाध्यक्ष गण हैं, जो माननीय हमारे सभापति हैं, विधान परिषदों के उपसभापति हैं, उनके साथ फिर जो वो बिंदुवार चर्चा होगी और फिर शाम को फिर वही सांस्कृतिक संध्या हम यहाँ पे करने वाले हैं। खूबसूरत शाम यहाँ की हमारे लोगों के लिए रहे ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और 19 तारीख को सुबह को फिर वही हमारा कार्यक्रम जब शुरू होगा और शाम को समापन के बाद हमारा जो देवभूमि जो कि उत्तराखंड कहलाता है, सभी माननीय अतिथियों को यहां से जब ले जाया जाएगा गंगा आरती के लिए, जिस गंगा जी के किनारे रह के आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम फीड किया था, उसी माँ गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश में एक भव्य गंगा आरती हम वहां पे करने जा रहे हैं। और उसमें भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, तमाम हमारे अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, सभी सचिवगण, सभी अतिथिगण जब वहां जाएंगे उनके स्वागत के बाद, तो आप देखिए वहां पहले वो गंगा पूजन करेंगे, फिर गंगा आरती करेंगे, फिर उसके बाद वहां भजन संध्या में भाग लेंगे और वहीं फिर गंगा जली और रुद्राक्ष के साथ उनका सम्मान किया जाएगा। और उसके बाद एक भरत मंदिर, हमारा बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ऋषिकेश का, वहां पे फिर सभी लोग जाएंगे, जहां पे भगवान श्री के दर्शन करने के बाद फिर महंत जी द्वारा, पुजारी जी द्वारा उनको आशीर्वाद प्रदान होगा और प्रसाद वगैरह लेने के बाद फिर वहां एक हम छोटा सा एक कार्यक्रम जो हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध एक यात्रा है पूरे एशिया का की मानी जाती है, सबसे बड़ी यात्रा 254 किलोमीटर की नंदा देवी राजजात यात्रा, उसको बहुत छोटा करके, यानी कि समय, क्योंकि समय अवधि उतनी नहीं रहती, उसको दिखाने का काम करेंगे। ऐसी डोईवाला के अंदर जो हमारे जौनसार एक इलाका कहलाता उस संस्कृति को दिखाने का काम करेंगे, ऐसी आपको जैसे यहाँ बताया यहाँ छोले नृत्य करने का काम करेंगे। और पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने प्रयास किया कि ये देवभूमि है, यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का नॉन वेज नहीं परोसा जाएगा और पहाड़ी व्यंजन जो हमारे उत्तराखंड उत्पाद है उसको हम, आप जैसे तमाम अतिथियों को उसको हम लोग परोसने का काम करेंगे, ताकि हमारी यादें आपके यहाँ से जाने के बाद भी ताजा रहे। आपने एक तरह से जो देवभूमि है उसको भी पूरी तरह से, एक छोटा भारत जो जुटा है उसके सामने आप रख रहे हैं। आपको उम्मीद है सर कि ये मील का पत्थर होगा, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारियों के जो सम्मेलन जितने अब तक हुए हैं उनमें कुछ नए नए ऐसे फैसले लिए गए, आपको क्या उम्मीद है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक क्षण हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण ये समिट हो रही है
और हम तो बहुत गौरवशाली अपने आप को मान रहे हैं। पूरे उत्तराखंड वासी आप देखिए कितने उत्साही हैं कि आप सब लोग आप सभी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे आतुर हैं। और चूंकि इस प्रकार के जो भी सम्मेलन होते हैं वो निश्चित रूप से उनमें बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलता है। जब यहाँ से हम लोग विधायी कार्यों की बात करें, अपने सदनों की बात करें, सदन को संचालन की बात करें, सारी चीजें यहाँ से हमें मिलने वाली है। जो पथ हमें यहाँ से मिलेगा, जो मार्गदर्शन हमें यहाँ से मिलेगा, जो मंथन यहाँ से होके जाएगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम अपने सदनों में उसका बहुत बड़ा लाभ ले पाएंगे। और मैं तो अपने दूसरी तरह से मैं कह सकता हूं कि ये जो सम्मेलन है ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का और तमाम अतिथियों का जो भी हमारे इस उत्तराखंड की धरती पर आए। मैं उनका फिर से अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त कर रहा हूं। थैंक यू सर। थैंक यू।